प्रतियोगिता का दूसरा दौर जारी है और आपके गांव ये सेपू मैं चिकनी भजनों का रंगारंग प्रोग्राम जिसके ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता पंडित रोहतास डीजे सांड जनूथर राजस्थान से ढोलक पर संगति कर रहे हमारे बड़े भाई मशहूर ढोलक वादक श्री रामवीर सिंह जी नसवाड़ा राजस्थान से ठीका पर संगति कर रहे हैं बड़े भाई भोला राम जी सारई से और आपका छोटा सा कलाकार भाई गोविंद सिंह धौलपुर राजस्थान से नीचे कर धमाका हाजी सरदारो ये चिकड़ी प्रतियोगिता का दूसरा दौर जारी है और सभी गायक बंधु नेले पे देना है लेकिन भैया जी कभी ने अपनी कलम को उठाया बहुत ही सुंदर शब्दों में लिख दिया लेकिन क्या लिख रहे हैं को सखा झट से मैंने घूंघट को सरकायो कि इतने में वो चले जो गए तब एक सखी ने मुझे बतायो आग लगे बेरी घूंघट में अखियन भर श्याम मैंने देख नहीं पाया श्रोताओ समय कम है ध्यान को सीधा केंद्रित कीजिएगा प्रसंग की ओर आज वो उत्तर राजकुमार महारानी द्रौपदी के बार बार कहने पर उस गांडीवधारी अर्जुन को अपना सारथी बना करके ले जाते हैं रणभूमि के अंदर जाकर के देखा दुर्योधन की सेना को उत्तर राजकुमार ने जवाब दिया भैया ब्रेंडला अरे आप मेरे रथ को यहीं पर रोक दीजिए मैं यहां से आगे नहीं जा सकता उत्तर राजकुमार से कुंतीपुत्र ने पूछा भैया उत्तर राजकुमार आप पहले अपने उस वादे को पूरा कीजिए जो वादा आपने मुझसे किया था कि भला उस दुर्योधन को मैं ये बता देता कि मेरी कैसे गायों को लेकर के गया आप अपने उस वादे को पूरा कीजिए लेकिन क्या जवाब दे रहे हैं भैया अरे जब ना है सूजी तो और बना के मोई सारथी लायो और सुन धोसा की सुन धोसा अरे सुन भोसा की घन घोर अरे पतन लायो दुर्योधन को अरे बात दुर्योधन को दुर्योधन को मार के गिराए दे तू रानी
सबसे पहले सबसे ज्यादा वो बोले जो कोरो पारो सरदारो एक बीड़ी के ढूंढो चार बेर कू करेगो घरवारी देखेगा ना सुनने का सबरो गांव से पहुंचले मेरे ड्रग के मारे अरे घर में ना घरवारी माने क्या बात भैया अरे घर में ना घरवारी माने और एक तरफ तो डोले जन्माए और जिंदे बापा को जिंदे बापा को रोटी ना जन्म करो ना भाई दियो चंगा है श्रोताओं उत्तर राजकुमार ने जवाब दिया भैया ब्रेंडला मैं यहां से आगे नहीं जा सकता आप मेरे रथ को यहीं पर रोक दीजिए पहले जा करके महलों में मैं अपनी माँ के दर्शन करना चाहता हूँ और भैया जी चौक में क्या कह रहा है अरे एक कई और बात बता दूं मैं तो और जहाँ तहाँ तंग करे मत मोकू